झांसी में कुख्यात अपराधी लेखराज यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने के प्रयास की साजिश के आरोप में पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव झांसी जेल में बंद है। 10 अक्टूबर को सपा का प्रतिनिधि मंडल जेल में उनसे मुलाकात करेगा। इसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को सौंपेगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने शुक्रवार को 11 सदस्यीय मंडल का गठन किया। इसमें सपा के 6 विधायक समेत स्थानीय नेता शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल 10 अक्टूबर को झांसी आएगा। प्रतिनिधि मंडल में विधायक डॉक्टर मनोज पांडे, पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव, विधायक विशंबर सिंह यादव, विधायक अनिल प्रधान, विधायक विनोद चतुर्वेदी, विधायक अमिताभ वाजपेयी, कानपुर विधायक इरफान सोलंकी, पूर्व मंत्री तिलकचंद अहिरवार, सीताराम कुशवाहा, झांसी के पूर्व जिलाध्यक्ष संत सिंह शेरशाह और जिलाध्यक्ष महेश कश्यप शामिल हैं। इस आरोप में जेल में बंद है दीप नारायण। 16 सितंबर को लेखराज यादव को कन्नौज जेल से झांसी की एक कोर्ट में पेशी कर लाया गया था। लौटते वक्त कोर्ट के गेट पर पास समर्थकों ने लेखराज को छुड़ाने की कोशिश की। फिर रास्ते में पुलिस वाहन को स्कॉर्पियो ने कई बार ओवरटेक किया और लेखराज को छुड़ाने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने गरौटा के पूर्व विधायक दीप नारायण और उनके साले समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।